अगर आप मैकडी जाते हैं, मैकडोनल्ड्स से कोई सामान ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन या वहाँ जाके ख़रीदते हैं खाने पीने के लिए, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जोमेटो की तरह मैकडोनल्ड मैकडी भी विवादों में आ गया। और वजह क्या है, मैकडी की वो ट्वीट दिखाते हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है। मैकडोनल्ड इंडिया ने ये ट्वीट किया है, किसी कस्टमर ने इनसे पूछा हुआ इनके किसी प्रोडक्ट को लेकर, और वो प्रोडक्ट मीट से जुड़ा था। तब उनका एक जवाब है कि ऑल आवर रेस्टोरेंट्स हैव हलाल सर्टिफिकेट्स, यू कैन आस्क टू रेस्पेक्टिव रेस्टोरेंट मैनेजर्स टू शो यू द सर्टिफिकेट फॉर योर सेटिस्फेक्शन एंड कन्फर्मेशन। अब इसी को लेके विवाद है जो इन्होंने लिखा है। दरअसल पहले आपको मैं एक बंदे की ट्वीट दिखाता हूँ, गो टू हेल देन वी हिंदूज ओनली हैव झटका मीट, विल एजुकेट अदर्स एज वेल टू नॉट हैव एनी नॉन वेज फूड फ्रॉम योर चेन। हम हिंदू झटका मीट खाते हैं और सबको बताएंगे कि यहाँ से, तुम्हारे यहाँ से नॉनवेज ना खरीदे। अगर तुम जोमेटो की तरह ख़त्म नहीं होना चाहते हो तो इंश्योर करो कि झटका मीट वहाँ पर सर्व हो, अपने को फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए। ऐसे ढेरों लोग हैं, हजारों लोग जो ट्वीट और रिट्वीट इसको लेके कर रहे हैं। तो वहाँ पर जिनको नहीं पता है कि झटका मीट नहीं मिलता, केवल हलाल मिलता है, ये मैकडोनल्ड ने आज माना, लेकिन लोगों को नहीं पता था अभी तक, तभी ये लोग गुस्सा हो रहे हैं। आखिर इस दोनों तरह के मीट में फ़र्क क्या होता है? सतविंदर सिंह है हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने बात की कि हिंदू और सिख ऐसा नहीं करते, तो क्या फ़र्क होता है? जी, दो तरह के मीट होते हैं, एक होता है हलाल और एक होता है झटका। हलाल में उसका हल्का सा कट करके उसका सारा ब्लड जो है वो निकाल दिया जाता है, और झटका में उसे एक ही, जो जानवर होता है उसे एक ही बारी में कट करके मार दिया जाता है। तो नॉर्मल क्या हलाल केवल मुस्लिम खाते हैं? जी जी, उसका धर्म से भी लेना देना है? उसका धर्म से लेना देना है, क्योंकि वो पुराने ज़माने से ये चलता आ रहा है, जो मुस्लिम हैं वो लोग हलाल मीट खाते हैं, और जो सिख और हिंदूज हैं वो लोग झटका मीट प्रेफर करते हैं। तो इसका मतलब कि मैकडोनल्ड से तो हिंदू भी खरीदता होगा, सिख भी खरीदता होगा, आपने भी ऑर्डर दिया होगा, उनको तो पता ही नहीं था आज तक कि वो केवल हलाल बेचते हैं। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है, क्योंकि जो ये सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफिकेट है, वो एक साइड में किसी कोने में कहीं दीवार पे ये लोग लगा देते हैं, जो ज़्यादातर लोग देख नहीं पाते। और ऑनलाइन जो ऑर्डर करते हैं उन्हें तो पता ही नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो ये बड़ी बात है कि अगर आप मीट खाते हैं, मीट का ऑर्डर करते हैं मैकडी को, तो खाली मैकडी नहीं, और भी तमाम सारे ऐसे आउटलेट्स होंगे जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और जहां आप खाना खाने जाते हैं और मीट का ऑर्डर करते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर हलाल मीट का यूज करते हैं। और आज मैकडोनल्ड ने ये मान लिया है, ओपनली मान लिया है कि वो केवल हलाल मीट बेचते हैं। और ऐसे में हिंदू और सिख जो लोग हलाल मीट नहीं खाते हैं, उनके लिए वाकई में बड़ी खबर है कि मैकडी का मीट वो पहले चेक कर लें। और चेक क्या कर लें, वो लोग खुद ऑर्डर कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हमारे पास हलाल मीट मिलता है, केवल झटका मीट नहीं मिलता। और अगर आप मीट के शौकीन हैं तो ये एक बड़ी खबर है आपके लिए। इस मामले में और कोई अपडेट आता है तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहे इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनखबर। थैंक यू, नमस्कार। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।